नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे पंजाब हरियाणा दोनों स्टेटों में कितनी लोडिंग कितनी अनलोडिंग अभी तक हो चुकी है और वहां की टोटल कैपेसिटी कितनी है, जो कि हमारे किसान भाइयों को अच्छी तरह वहां का पता चलना चाहिए। तो अब मैं दोस्तों आपके लिए एक चीज और बता दूं कि अभी फिलहाल पंजाब में और हरियाणा में क्या चल रहा है ये भी हम जानेंगे, और अभी जो मौसम में चेंज आ रहा है यानी परिवर्तन आ रहा है, बारिश हो रही है या कहीं अभी बारिश नहीं हो रही है, तो उससे थोड़ा मंडियों में उछाल भी देखा गया है और कुछ मंडियों में उछाल नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मंडियों में अब उछाल देखा गया है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं पंजाब हरियाणा की रिपोर्टिंग के बारे में, जो कि मैंने आपसे वादा किया था पंजाब हरियाणा की मैं रिपोर्टिंग दिखाऊंगा। तो देखो रिपोर्टिंग लेने में काफी टाइम लग जाता है क्योंकि वहां की कोई सरकारी रिपोर्ट तो होती नहीं है पंजाब हरियाणा की, तो ये जो मैं रिपोर्ट दे रहा हूं आप इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से भी समझ सकते हो। तो आइए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले हरियाणा के बारे में। अब जैसे दोस्तों हमारे यूपी में एक सबसे बड़ी बेल्ट है आगरा बेल्ट, ऐसे ही तुम्हारे हरियाणा में एक सबसे बड़ी बेल्ट है शाहबाद मारकंडा, तो उसके बारे में आज हम जानकारी कर लेते हैं, फिर हम पूरे हरियाणा के बारे में बात करेंगे। अब हरियाणा के दोस्तों कैपेसिटी की बात करें तो वहां पर टोटल कैपेसिटी 70 लाख के आसपास है, लेकिन वहां पर इस बार जो लोड हुआ 2022 में वो लगभग 60 लाख के आसपास हुआ है, यानी 55 से 60 लाख के आसपास वहां पे लोड हुआ है, जो कि वहां का बैठता है 85% के आसपास। तो 2022 में वहां 85% के आसपास बैठा है टोटल। अब दोस्तों इसमें कुछ जगह हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों हरियाणा की एक सबसे बड़ी बेल्ट है शाहबाद मारकंडा, वहां पर टोटल कैपेसिटी आलू की 22 लाख के आसपास, लेकिन वहां पर टोटल अब तक जो लोड हुआ वो हुआ 19.5 लाख के आसपास। लेकिन वहां के लोग कुछ सोच रहे थे कि इसका लोड केवल 12 से 14 लाख के आसपास ही हो पाएगा, लेकिन वहां जाके हुआ है 19.5 लाख के आसपास। तो ये शाहबाद मारकंडा की बात है, लेकिन उसके आसपास के इलाके में अगर देखें टोटल कैपेसिटी बैठती है 35 से 37 लाख के आसपास। अब दोस्तों 35 से 37 लाख का मतलब ये है कि हरियाणा का आधी मतलब 50% तो यहीं पर लोड होता है शाहबाद मारकंडा के आसपास इलाके तक। अब दोस्तों शाहबाद मारकंडा में जो 22 लाख में से 19.5 लाख जो कैपेसिटी मतलब भरी गई है यानी लोड हुआ है 19.5 लाख के आसपास, वहां पे अब तक आलू 10% के आसपास लगभग निकल चुका है। तो दोस्तों हरियाणा में जो टोटल 1,90,000 में से 1.5 लाख तो निकला है दोस्तों हाईब्रिड आलू जो पुखराज है, और 40,000 निकला है डायमंड या चिप्सोना या और भी वैरायटी हो सकती है। तो ये है दोस्तों शाहबाद मारकंडा की बात। अब दोस्तों एक बात और जान लेते हैं इसमें, इस बार अगर 85% तुम्हारा हरियाणा भरा है, इस बार 15% सीड ज्यादा है। तो दोस्तों वहां ये जो सीड ज्यादा रखा है उसका भी एक कारण है कि किसानों को लग रहा है कि हमारा कुछ हमने जो पैकेट रखे हैं उनमें से कम भी हो सकते हैं, तो उन्होंने थोड़ा बढ़ा के पैकेट रखे हैं, अपने लिए ही रखे हैं फिलहाल, अभी तो ये बता गया है। हो सकता है वो किसी भी कारण रखे हों, लेकिन वहां पे इस बार 15% सीड ज्यादा है हरियाणा में। अब मैं केवल हरियाणा की बात कर रहा हूं। अब दोस्तों केवल हरियाणा में जो अभी तक जो निकासी की बात करें तो लगभग 9 से 10% तक निकासी हो चुकी है टोटल हरियाणा की अभी फिलहाल। तो दोस्तों हरियाणा का जो आलू है अभी फिलहाल पंजाब के पठानकोट से लेके और जम्मू तक आलू वहां का पहुंच रहा है। अब दोस्तों हरियाणा की जो बात करें अगर वहां का अभी क्या हाल चल रहा है, तो वहां पे दोस्तों जो पुखराज आलू है वो चल रहा है 600-625 रुपए के आसपास, और जो तुम्हारा डायमंड आलू है वो चल रहा है 750 के आसपास, और चिप्सोना का भी रेट किसान भाइयों 750 के आसपास वहां पे चल रहा है। तो ये तो हुआ दोस्तों हरियाणा के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में टोटल जो कैपेसिटी है वो है 1,70,00,000 के आसपास, यानी 2.25 करोड़ के आसपास जो कैपेसिटी है पंजाब की। उसमें से जो इस बार जो लोड हुआ 2022 में वो हुआ है 1,36,00,000 के आसपास। ये बैठता है दोस्तों 80% के आसपास बैठ रहा है वहां का, आप चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो को पंजाब हरियाणा के जो लोग देख रहे हैं प्लीज अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हो सके कुछ भाइयों के पास इस वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हो। तो अब दोस्तों वहां का एक मुख्य कारण ये है कि पंजाब हरियाणा में जो इस बार जो लोड हुआ है वो 20 से 25% सीड ज्यादा लोड हुआ है, और सालों की अपेक्षा 20 से 25% सीड वहां पे ज्यादा लोड किया गया है, क्योंकि वहां पे दोस्तों सीड की मतलब क्वालिटी भी थोड़ी खराब सी हो गई है, और खाने वाला आलू की भी थोड़ी क्वालिटी खराब हो चुकी है, और उसमें भी परसेंटेज का कम मायना रखा गया है। और दोस्तों पंजाब में जो सीड की कैपेसिटी है वो 20 से 25% ज्यादा रखी गई है इस साल। दोस्तों उसका मुख्य कारण ये है कि जो वहां पे जो आलू है उसका ज्यादा ना फूलना वो सीड में ही उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, ये भी वहां का एक मुख्य कारण देखा गया है। तो वहां पे राशन की कमी है, सीड की कोई कमी नहीं होने वाली है। तो ये तो हुआ किसान भाइयों पंजाब में। अब दोस्तों पंजाब की टोटल हम अब तक की निकासी की बात करें तो अब तक की निकासी दोस्तों वहां बताई गई है, टोटल निकासी अब तक वहां की 8-8.5 लाख बताई गई है। तो ये बैठ रहा है दोस्तों करीब इसका 5 से 6% निकासी अब तक हो गई है मई के महीने तक। अब ये जून का महीना अलग है, उनकी निकासी ना होने का मुख्य कारण ये है कि उनको अच्छा रेट ना मिलना या उनके आलू की क्वालिटी थोड़ी डाउन होना, तो ये उनका कारण देखा जा रहा है। तो निकासी किसान भाइयों फिलहाल तो पंजाब में डाउन चल रही है। अब दोस्तों निकासी की दोनों स्टेट की बात कर लेते हैं, तो दोनों स्टेटों में दोस्तों हरियाणा काफी आगे चल रहा है। हरियाणा में इतनी तेज निकासी अभी तक नहीं हुई है,
और दोस्तों वैसे इंडिया में देखा जाए तो काफी सालों से ज्यादा निकासी 2022 में हुई है मई महीने तक। तो आइए दोस्तों अब एक नजर और डाल लेते हैं। अभी तक किसान भाइयों जो हरियाणा पंजाब का आपने देखा कि हरियाणा में 10% निकासी हो चुकी है, पंजाब में 5 से 6% निकासी हुई है, लेकिन अगर कैपेसिटी की बात करें तो दोनों में लगभग 80 से 85% कैपेसिटी भरी है दोनों ही स्टेटों में। दोस्तों आप देख रहे हो कि सीड ज्यादा रखा गया है तो उसका कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी फायदा आगे होगा। अब दोस्तों देखना यह है कि जल्दी ही कितनी निकासी हो सकती है, जून महीने में क्या होने वाला है, इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताते रहेंगे। और दोस्तों दोनों स्टेट के बारे में जो हमने आपको जानकारी दी है, और दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो हमें सब्सक्राइब करें। दोस्तों दोनों स्टेटों की जो हमने जानकारी ली है वो आपके लिए एजुकेशन पर्पज के लिए हमने बताई दिया, आप चाहो तो इसको शेयर भी कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़।